हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने चैनल को ग्रो कैसे करेंगे और अपना वॉच टाइम जल्दी कैसे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों और चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में जैसा देखा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका चैनल ग्रो कैसे होगा। तो दोस्तों, आपको बस अपने कंटेंट पर ध्यान देना है और अपना कंटेंट अच्छा बनाना है जिसपे कि आपके व्यूज आ सके। और व्यूज कम आ रहे हैं आपके, तो उसका एक कारण ये है दोस्तों कि अगर आपका वीडियो 5 मिनट से कम का है, मतलब अगर आप अपना वीडियो 5 मिनट से कम मिनट का बना रहे हैं तो उस पर कम व्यूज आएंगे। दोस्तों, आप अपना वीडियो ध्यान रखें 5 मिनट से ज़्यादा का ही बनाएं हमेशा। अगर 5 मिनट से कम हुआ तो आपका वीडियो पे वॉच टाइम कम होगा, सब्सक्राइबर भी कम होंगे, व्यूज भी कम होंगे। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए कि आप अपना वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा का ही बनाएं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप डेली अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा मेथड है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मेथड है। आप अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के अकाउंट में, अपने उनके चैनल में जाइए और उनके लेटेस्ट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाइए। वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट कुछ नहीं लिखना है, आपको सिंपल सा करना है एक काम, बस आपको ऐसे 10-50 कमेंट्स ढूंढने हैं कि आपको अगर 10-50 ऐसे लोगों के कमेंट ढूंढना है कि आपको अगर वो 50 कमेंट एक सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, वो 50 लोग एक चीज़ पूछ रहे हैं बस कि सर बेस्ट अर्निंग ऐप कौन सी है। अगर वो 50 लोग, ये एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, इसको उदाहरण के तौर पे लीजिएगा, अगर 50 लोग उस यूट्यूबर से एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर बेस्ट अर्निंग ऐप कौन सी है, तो ये हो गया आपका बेस्ट ट्रेंडिंग पॉइंट। तो इस ट्रेंडिंग पॉइंट पे आप वीडियो बना डालिए कि अर्निंग ऐप कौन सी है, इस पे आप वीडियो बना डालिए। ये एग्जांपल है दोस्तों आपके लिए। तो आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की वो दिक्कत खत्म हो जाएगी और आप अपना वीडियोस भी अच्छा बना सकते हैं और वायरल भी होगा क्योंकि उन लोगों में अर्निंग ऐप को लेकर ज़्यादा खलबली मची हुई है। तो दोस्तों, अर्निंग ऐप के ऊपर बनाइए या फिर उधर जो भी आपको कमेंट सबसे ज़्यादा विषय पर मिले उस विषय पर आप वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, कंटेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बाद तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने थंबनेल कैसा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी वीडियोस के व्यूज और सब्सक्राइबर आपके चैनल के आपकी वीडियो के थंबनेल पे निर्भर करते हैं। आपका थंबनेल दोस्तों अगर ज़रा भी कमज़ोर हुआ, अट्रैक्टिव नहीं है, तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए, उस पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो विजिटर्स को आई कैची होने चाहिए, एकदम दिखने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अपने जो थंबनेल होता है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको हाई रेजोल्यूशन वाला ही बनाइए आप, ठीक है। पिक्सल लैब में बनाइए, पिक्सल लैब बहुत ही बढ़िया ऐप है, उसमें आपको शेडो, बॉर्डर, स्ट्रोक सब अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अपने थंबनेल का जो वर्ड आप जैसे ही टाइप करते हैं, थंबनेल के वर्ड ऐसे होने चाहिए कि, और उनका कलर ऐसा होना चाहिए कि वो आई कैची हो, बिल्कुल विजिटर्स को अपनी तरफ खींचने में वो रखते हों, क्या कहते हैं उसको, हाँ जो भी कहते हैं क्या रखते हैं, वो विजिटर्स उन वीडियोस की तरफ खींचा चला है, ऐसा अपना थंबनेल बनाइए, ठीक है दोस्तों। अपना जो वर्ड्स लिख रहे हैं आप उनको ऐसा कलर, उस बॉर्डर, उनका जो अंडर बॉर्डर है, उनका जो स्ट्रोक है वो ऐसा दीजिए, ऐसा कलर में, येल्लो कलर बहुत आई कैची होता है दोस्तों, येल्लो कलर बहुत अच्छा होता है। आप अपना आई कैची कलर ही रखिए, कोई ब्लैक वगैरह ऐसा मत रखिएगा। बॉर्डर बैकग्राउंड भले ही ब्लैक रख लीजिए, लेकिन जो अंदर के वर्ड्स हैं वो वाइट या येलो में ही रखिए। तो दोस्तों, ये हो गया आपके थंबनेल का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस जो आपके वीडियोस के व्यूज पे बहुत निर्भर करता है दोस्तों। तो चौथा पॉइंट है आपके वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स। जी हाँ दोस्तों, टाइटल अगर आपका कमज़ोर है तो भी व्यूज कम आएंगे, डिस्क्रिप्शन भी कमज़ोर है तो भी व्यूज़ कम आएंगे, और टैग्स डाले ही नहीं आपने तो व्यूज़ तो भूल ही जाइए आप। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका टाइटल जो है वो अट्रैक्टिव हो, चाहे आपने हिंदी में लिखा हो या इंग्लिश में हो, उसमें एक कोई बेहुदा शब्द ना हो और अच्छे टाइटल हो। जैसे आप मान लीजिए आप किसी लैपटॉप का रिव्यू कर रहे हैं, तो अच्छे से लिखिए उसको कि ये लैपटॉप का नाम, पहले उसका मॉडल लिखिए, उसका नाम लिखिए, देन अपना टाइटल लिखिए। आपके टेक चैनल पे आपका टाइटल बहुत ही निर्भर करता है। वो बात आती है दोस्तों डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन में अनाप शनाप, जैसे हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसा हूँ, आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, ऐसे शब्द यूज़ मत कीजिए, बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई पोस्ट दिस वीडियो, फलाना सब्जेक्ट, ऐसा कुछ लिखिए।
और अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखिए, और वो भी बड़े शब्दों में लिखिए, ज़्यादा ही लिखिए कुछ, और डिस्क्रिप्शन में भी टैग आप नीचे की तरफ डालिए, डिस्क्रिप्शन में भी टैग डालिए। और दोस्तों तीसरा पॉइंट बात आती है टैग्स की, तो आपको टैग्स कहाँ से मिलेंगे? तो दोस्तों प्ले स्टोर में टैग्स के ऊपर बहुत सारे ऐप्स हैं, आप उन ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, आपको टैग्स मिल जाएंगे वहाँ से, कॉपी पेस्ट करके, कॉपी करके आप यहाँ अपने यूट्यूब में पेस्ट कर दीजिए अपने टैग्स को। तो हो गया दोस्तों आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। अगर आप इन सब प्रॉब्लम्स पर ध्यान देंगे और इनका उचित समाधान करेंगे तो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप नया वीडियो ज़रा भी ना भूलें, ताकि आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।